कुछ ऐसा किया कि मम्मी ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेकर उसको जैकेट के बीच में डाल देंगे ताकि कलर्स इधर उधर ना जाए। तो मैंने ना आपके लिए एक अनोखी टेक्निक यूज की है। अब अगर आप सोच रहे हो कि पेपर पे कलर्स इतना फैल जाते तो कपड़े पे कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब जल्दी से कलर्स एंड ब्रशेस निकाल लेते हैं, लेट्स गो। ये टेक्निक को परफॉर्म करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि इसको आप मास्किंग टेप से और अच्छे से कर सकते हो। मुझे पूरी जैकेट पे कलर करना था तो मैंने जल्दी से इधर उधर रैंडम पैटर्न्स बना दिए। लाइन आर्ट और डूडल मैंने स्केचबुक पे तो बहुत किए, आज पहली बार जैकेट पे कर रही हूँ। मैंने व्हाइट कलर चूज किया क्योंकि मेरी जैकेट ब्लू है, और सच बताऊँ ये इतना ज्यादा थेरेपी जैसा है ना। फ्रंट साइड पे जितनी कलाकारी होनी थी हो चुकी, अब इसको सूखने का वेट करेंगे, लेट्स गो। अरे मास्क क्यों लगाया? क्योंकि मुझे ना एक आइडिया है कि कैसा होगा स्प्रे पेंट को फैब्रिक पे करके देखा जाए, और जो रिजल्ट है वो इतने ज्यादा अनबिलीवेबल लगे कि मुझे मन किया पूरा आउटफिट स्प्रे पेंट से कस्टमाइज कर दूं। तब तक आप इस जैकेट के रिजल्ट्स देखो और कमेंट करके बताना कि आपको जैकेट का कौन सा साइड ज्यादा अच्छा लगा। के बाय।